देवास पुलिस ने वाहन चोरों के खिलाफ नकेल कसते हुए मुखबिर की सूचना पर दो आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 12 बाइकें जब्त की हैं। जब्त बाइक की कीमत करीब 6,50,000 रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए दोनों आरोपी भीड़भाड़ और सुने इलाके से दो पहिया वाहनों को चुरा लेते थे। इतना ही नहीं, पकड़े गए दोनों आरोपी इन गाड़ी चुराने के तुरंत बाद ही गाड़ी की नंबर प्लेट बदल दिया करते थे, जिससे गाड़ी की असली पहचान छिप जाए, और एक ही नंबर पर दो दो तीन तीन गाड़ियां बेच दिया करते थे। पकड़े गए दोनों आरोपी राजा उर्फ राजेश और रवीश देवास जिले के निवासी हैं। देवास एडिशनल SP जगदीश डावर ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है, ताकि और भी कोई चोरी की वारदातों का खुलासा हो सके। सर, वाहन चोर से संबंधित कोई मामला सामने आया, कुछ पकड़ा है आरोपी, कितनी उनकी संख्या और कौन से थाना क्षेत्र की घटनाक्रम है और कितनी जो है गाड़ी जो है जब्त? देवास शहर और जिले के आसपास के कस्बों से वाहन चोरी की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इन शिकायतों को और चोरी की घटनाओं को देखते हुए देवास पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक टीम का गठन किया गया और वाहन चोरी पे पाबंदी लगाने के लिए निर्देशित किया गया, जिस पर से टीम द्वारा काम किया गया, जिसमें थाना प्रभारी नाहर दरवाजा और क्राइम ब्रांच की पूरी टीम और CSP अनिल सिंह, जो CSP हैं देवास के, उनके मार्गदर्शन में काम किया और सूचना प्राप्त हुई कि एक राजा उर्फ राजेश नाम का लड़का मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है। उसको रंगे हाथों पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई, तो एक रवीश कंजर जो धानी घाटी का रहने वाला है उसके साथ मिलकर ये चोरी करते थे और एक वाहन उठाने के बाद उसका नंबर डाई से ठोक देते थे और एक ही नंबर पे दो दो तीन तीन गाड़ियां ये लोगों को बेचते थे। इसी सूचना पे काम करते हुए इनसे पूछताछ की गई और इन दोनों से जो है 12 मोटरसाइकिलें जब्त हुई है, जिनकी कीमत लगभग 6,50,000 रुपये हैं। अभी इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा, इनका रिमांड लेकर और पूछताछ करेंगे तो संभावना है कि और वाहन इनसे जब्त हो। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।